और आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है। सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग थी 5 बजे के आसपास, पर अभी नहीं है, अभी भी एकदम धूप खिलाई है। थोड़ा लेट उठे थे, छुट्टी थी ना इसलिए। और यहाँ पर मैंने चने की दाल भिगो दी है, आज लौकी और चने की दाल की सब्जी बनेगी। और मैं आज पूजा करने नहीं गई क्योंकि वहाँ से सब लेडीज जाने वाली थी आज गायत्री मंदिर, वहाँ पर पूरा दिन रहने वाली थी। पूजा ऊँचा और स्नान वगैरह वहाँ पर ही करने वाले थे नर्मदा रिवर में, तो इसलिए वहाँ कोई नहीं था। मैं आज नहीं गई और आज मैं उठी भी 7 बजे, इसलिए तो सारा काम लेट हुआ और अभी भी लेट ही हो रहा है। अभी कोसी के सेकंड शिफ्ट चल रही है तो दोपहर का मुझे लंच भी बनाना है। तो चलो वेलकम कर देती हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हो जरूर से बताया कीजिएगा कमेंट करके। और यहाँ पर बहुत ही ठंडा, इतना अच्छा ठंडा पवन आ रहा है कि बैठे ही रहो, बैठे रहने का ही मन करता है। और ये है एमसील और इसका मैं इस्तेमाल करूँगी अभी वेद की बोतल में, क्योंकि उसकी स्टील की बोतल है। अभी वो प्लास्टिक के पेप्सी की बोतल ले जा रहा है, स्टील की जो बोतल है ना उसमें लगाऊँगी, वो लीक हो गया है। और इस वाली बोतल में तो यहाँ पर नीचे की साइड लीक हुआ है, तो देखना पड़ेगा कहाँ है। यहाँ पर है शायद, यहाँ पर एरो लगाया है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लीक है तो यहाँ लगा देंगे। बेटा दे दो मुझे, हाय बोल दो। चलो फटाफट, वेद ने और मैंने आज सेम सेम पहना है, और मैंने ये सुबह पहन लिया था और वेद ने मुझे देख कर पहना। चल फटाफट पढ़ ले, उसको 1 घंटे में पढ़ा देती हूँ और फिर मैं अपना काम करूँगी। हाँ बड़ी सूझो बाजूमा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन लार्ज एरिया वेर एनिमल एंड ना वेर प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर कैप्चरिंग एंड किलिंग। अपने बाजरे की रोटी बनाई है, यानी कि बाजरा का रोटला बोलते हैं हम गुजराती में। तो ये बन रहा है मेरा, कोसे की रोटियां होगी और मेरी लौकी की सब्जी है, और लौकी और चने की दाल की सब्जी है, रस्से वाली सब्जी लौकी की। बाजरे की रोटी के साथ खाना है ना, इसलिए मुझे रस्सा रखना पड़ता है। अभी बचे हैं 12:30 में, 12:30 में 10 मिनट की देरी है। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है, अभी 4 रोटियाँ बाकी है। वेद को नहीं खाना है क्योंकि उसने सुबह नाश्ता हैवी कर लिया था, इसलिए तो चलो ये कर लेती हूँ। सुबह बारिश नहीं थी पर अभी बारिश वाला मौसम हो गया है, कभी भी आ सकती है, ऐसा हो गया है। ठंडा ठंडा पवन चल रहा है और अभी बज रहे हैं शाम के, और अभी बज रहे हैं शाम के, देख लेती हूँ, 5 बजने वाले हैं। यहाँ पर मॉल तक जाना है, कुछ लेना है, इसलिए वेद और मैं जाएंगे आज। और दोपहर को वीडियो कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि नींद भी आ रही थी, इसलिए दोपहर को खा पी के सीधा सो ही गई थी। और अभी 5 बजे हैं और मैं 4:30 बजे उठी हूँ, और अभी वेद को मुझे पढ़ाना नहीं है क्योंकि आज सुबह ही मैंने उसका ले लिया था, सारा कुछ लेना था वो, तो अभी मैं फ्री हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद मैं वॉक करने जाऊँगी ऊपर, और जाना तो है वहाँ मुझे शिवालिक तक, और देखती हूँ मैं। जाना था बाहर और बारिश स्टार्ट हो गई है, दिखाती हूँ बैक कैमरे से, देखो यहाँ पर बूंदे। और मेरा कांच भी गीला हो गया है पूरा यहाँ सब, चलो बंद कर देते हैं वरना पूरी बालकनी गीली हो जाएगी। और अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं अभी किचन में जा रही हूँ कुछ खाना बनाने के लिए, यानी कि प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। और मैं आज वॉक करने नहीं जा पाई क्योंकि बाहर बारिश आ रही है, तो मुझे ब्लैक पेपर का मुझे पाउडर बनाना है, और देखती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ। अभी मैं थोड़ी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, फिर आसानी से बन जाएगा। और मैं और वेद अभी देख रहे हैं बिग बॉस, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा फटाफट से बना लेते हैं और प्रिपरेशन कर लेते हैं। कौशिक नहीं है अभी, सेकंड में गए हैं, इसलिए
तो चलो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए हुए चैनल समझ जाएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।